आइए आपको ले चलते हैं आज देहरादून, और देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के जो दो विधायक हैं उनके बीच जो लड़ाई शुरू हुई है वो चूहे और बिल्ली से लेकर अब इस लड़ाई ने एक अलग रंग ले लिया है। और ये अलग रंग दोनों विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के इसलिए लिया है कि अब लड़ाई का जो रूप है वो एक नई मुद्रा में नज़र आ गया है। ये जुबानी जो जंग है अब चूहे बिल्ली की लड़ाई से आगे बढ़कर अब शेर और गीदड़ में परिवर्तित हो गई है। ये शेर और गीदड़ शब्द का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो खानपुर से विधायक हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उन्होंने ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे विधायक हैं देशराज कंडवार उनके लिए इस्तेमाल किए हैं। चूँकि ये हमारे अपने शब्द नहीं हैं, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन खुद अपने वीडियो में ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो कैसे शहर की तरफ भागता है। तो ये शब्द बीजेपी के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के हैं जो उन्हीं की जुबानी है। आगे हम आपको इस वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जो कुंवर प्रणव सिंह विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने जो दूसरे विधायक हैं देशराज कंडवाल उनको लेकर क्या कहा और क्या थी ये पूरी कहानी। इस पूरी कहानी का जो सच है वो उत्तराखंड की राजनीतिक लड़ाई और दोनों विधायकों में जो वर्चस्व की लड़ाई होती है उसको लेकर इसकी मेन वजह माना जा रहा है। सवाल ये इसलिए भी बड़ा है कि उत्तराखंड की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले या उसके बाद ये वर्चस्व की लड़ाई अभी भी जुबानी जो जंग है उसमें इतनी तेज़ी से परिवर्तित हो गई है कि इसे अब रोक पाना ना तो उत्तराखंड में भाजपा संगठन के बस की बात रही है और ना ही उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके बस की बात रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बीते दिनों जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन मीडिया रिपोर्ट्स में भाजपा के दोनों विधायकों ने अपने संगठन और सरकार की जितनी किरकिरी करनी थी वो उतनी किरकिरी कर चुके हैं। और ये किरकिरी को रोकने के लिए जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने बाकायदा दोनों विधायकों को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के साथ बैठकर अपने आवास पर बुलाया और इस पूरे विवाद को निपटाने की कोशिश की। दोनों विधायक अपने आप को मीडिया के सामने लेकर आए और दोनों ही विधायकों ने एक दूसरे को अपना छोटा और बड़ा भाई करार दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद दो दिन के बाद जो हैं समीकरण पूरे तरीके से बदले। जो देशराज कर्णवाल हैं वो नैनीताल हाईकोर्ट का रुख कर गए और उन्होंने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरे तरीके से खुला चैलेंज किया। अब इस पूरे घटनाक्रम में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा घटनाक्रम किस तरीके से तैयार हुआ और क्या है इस घटनाक्रम के पीछे पूरी लड़ाई। अब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जब ये पूरा घटनाक्रम अपने खिलाफ नज़र आया तो उन्होंने भाजपा उत्तराखंड के भाजपा संगठन से लेकर अब जो दिल्ली में बैठा हुआ भाजपा का हाई कमान है उसके सामने अपनी गुहार लगाई है और पूरा मामला उनके दरबार तक पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि ये जो वीडियो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का आया है, ये कुंवर सिंह प्रणव चैंपियन का जो वीडियो है ये दिल्ली से वीडियो आया है जिसमें कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो हैं भाजपा के जो विधायक हैं देशराज कंडवाल उनको गीदड़ करार दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि शेर जो है वो हमेशा अपनी चाल चलता है, हमेशा अपनी माद में रहता है, शेर को शिकार करने का शौक है, उन्हें इनसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कुंवर देशराज कंडवाल के खिलाफ उनके पास कोई एविडेंस है तो वो किसी भी अदालत में चले जाएँ, वो UNO की अदालत में चले जाएँ, सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ या हाई कोर्ट चले जाएँ। ऐसी तमाम जुबानी जंग हैं जो ये पूरी जुबानी जंग इस समय उत्तराखंड की राजनीति से लेकर दिल्ली के गलियारों में भी गूंज रही हैं और सोशल मीडिया पे इसको लेकर लगातार लोग पूरा इसका चटपटे अंदाज में मजा ले रहे हैं। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं, ये वीडियो में देखिए उन्होंने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने क्या टिप्पणी की, आप भी सुनिए वीडियो। देखिए मेरी समझ में नहीं आता पत्रकार क्यों एक गीदड़ को शेर के बगल में लाते। शेर की और सियार की कभी कोई लड़ाई नहीं होती, कोई दोस्ती नहीं होती। अलबत्ता जरूर है शेर जब मस्त होता है अपने मान में पड़ा हुआ शिकार का मजा ले रहा होता है तो गीदड़ आके उसको चूट देते हैं, काट देते हैं, तो वही हो रहा है जो हो रहा है। रही बात आपकी हाईकोर्ट में केस डालने की तो मैं बता दूं गीदड़ ने अपनी मौत को बुला लिया, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ आता है।
कुंवर प्रणव सिंह का नाम डाल के रेस्पॉन्डेंट हाईकोर्ट में कल कर्णवाल ने अपनी मौत बुला ली। मैं आपको बता दूं, आप लोग फोटो भी ले रहे हैं, इसने बड़ी चालाकी के साथ एक फर्जी उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र दिखाया और दिखा दिया कि साहब मेरे नाम से किसी ने मना लिया, चार आदमियों के खिलाफ मुकदमा कर दिया 12 साल पहले, कहता है कि वो मेरे आदमी, मैं उनको जानता भी नहीं। आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरी कहानी और इस कहानी के पीछे का क्या है पूरा सच। ये कहानी उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद से शुरू हुई दो भाजपा विधायकों की आपसी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है और इन वर्चस्व की लड़ाई में दोनों ही भाजपा के विधायकों ने उत्तराखंड में भाजपा संगठन से लेकर उत्तराखंड सरकार के जो मुखिया हैं उनकी भी किरकिरी एक तरीके से करवा दी है। इस किरकिरी शब्द का उपयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अनुशासित पार्टी कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही विधायक अपनी अनुशासन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तार तार कर रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा का चुनाव हालांकि हो चुका है लेकिन अभी भी देश भर के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन जो विपक्ष है इस मामले को लेकर भाजपा संगठन पर भी लगातार टिप्पणी कर रहा है। चलिए, ये बात तो भाजपा संगठन की है लेकिन हम इस पूरी कहानी के पीछे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। राजनीतिक वर्चस्व की यह लड़ाई लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई। हरिद्वार लोकसभा सीट से सबसे पहले जो दावेदारी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हैं उनके परिवार से, उनकी पत्नी के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए की गई, और वहीं उनकी दावेदारी के बाद जो है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी की दावेदारी के बाद जो दावेदारी की गई वो देशराज कर्णवाल ने अपनी धर्मपत्नी को आगे किया। उन्होंने टिकट की मांग की, भाजपा संगठन में टिकट की मांग की, तो दोनों ही विधायकों ने लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी की। वर्चस्व की लड़ाई यहीं से शुरू होती है। लोकसभा चुनाव में हालांकि जो एक तीसरे दावेदार थे वर्तमान सांसद भी थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, चूंकि निशंक एक बड़ा चेहरा थे और इस वर्चस्व की लड़ाई में इन दोनों विधायकों को टिकट मिलना बहुत असंभव था, तो इसलिए इस वर्चस्व की लड़ाई में जो आगे स्क्रिप्ट लिखी गई वो आपसी जुबानी जंग में तब्दील हुई। अब दोनों ही विधायक एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है खानपुर से, वो पहले कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने जो है बीजेपी का दामन थामा है, तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का जो है विवादों से पुराना नाता रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई जुबानी जंग नहीं है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कोई नई बात उत्तराखंड में मीडिया के सामने कही हो। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का विवादों से पूरा नाता रहा है लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 56 इंच का चौड़ा सीना उत्तराखंड में 56 विधायकों के साथ, लेकिन दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा और 56 इंच का सीना, लेकिन इसके बाद भी उत्तराखंड में भाजपा के ये दोनों विधायक अनुशासन को तार तार कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में भाजपा संगठन की सिर्फ नोटिस देने के अलावा कार्रवाई किए जाने की इतनी हिम्मत नहीं कि अपने दोनों विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वो भाजपा हाईकमान से इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मीडिया को दिए गए वीडियो के अनुसार और अपने एक बयान में खुद कहा है कि अब जो लड़ाई है वो लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई है। मध्यस्थता जो थी, मध्यस्थता भाजपा संगठन के माध्यम से भी कराई गई थी और जो मध्यस्थता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के माध्यम से भी कराई गई थी, लेकिन ये दोनों लोगों के बीच की जो मध्यस्थता है वो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं कर पाई। सिर्फ एक दिन बाद मीडिया के सामने दोनों भाजपा के विधायकों को बुलाया गया और दोनों विधायकों ने एक दूसरे को अपना छोटा और बड़ा भाई कहा। ये रिपोर्ट्स मीडिया में छपी, सब कुछ ठीक चलता रहा, और एक दिन के बाद अचानक उसके बाद देशराज कर्णवाल और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन फिर जुबानी जंग में सामने आए। इस बार ये जुबानी जो जंग थी ये उससे तेज धारदार थी, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप ही नहीं लगे। मामला हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। अब चूंकि मामले ने बड़ा रूप ले लिया है, इसके राजनीतिक अर्थ भी निकाले जा रहे हैं और
अब मैं आपको इस पूरे घटनाक्रम की स्टोरी के बाद में फाइनल टच दे के ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की 57 विधायकों की सरकार वर्चस्व में है। एक बड़ा मजबूत 70 विधायकों का उत्तराखंड में टोटल कुनबा है। इसमें से 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है। अपने आप में बहुत बड़ी मजबूत संख्या बल होने के बाद भी, भाजपा अनुशासित पार्टी होने के बाद भी, उत्तराखंड में भाजपा के अनुशासन को तार तार होने से नहीं बचा पा रही। अपने आप में इसके आने वाले समय में दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। भाजपा संगठन ने अगर समय रहते ऐसे आरोपों पे, ऐसे प्रत्यारोपों पे अगर नकेल नहीं कसाई तो निश्चित रूप से आज ये हरिद्वार जनपद का मामला है, कल उत्तराखंड के दूसरे जनपदों में भी इसी तरीके से भाजपा के विधायक लड़ते हुए नजर आएंगे, जिसका जो परिणाम होगा भाजपा को निकट भविष्य में देखने को मिल सकता है। इस राजनीतिक लड़ाई में आपको ये वीडियो कई तरह के संदेश भी देता हुआ नजर आएगा। हालांकि सोशल मीडिया में इस वीडियो को चटकारे लेकर देखा जा रहा है। आपने हमारी वीडियो देखी, आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें।